ghamasan.com में हूँ आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। पिछले साल हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत और कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दिग्विजय सिंह बीजेपी के गढ़ भोपाल से लोकसभा चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। मध्य प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रह चुके दिग्विजय सिंह अपने मित्र और प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कमलनाथ के कहने पर भोपाल जैसी कठिन लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी से 1990 से लगातार जीतती आ रही है। दिग्विजय सिंह के मुकाबले बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा जैसी फायर ब्रांड नेता को चुनाव मैदान में उतार कर मुकाबले को रोचक बना दिया है। मतगणना के पहले आइए देखें ज्योतिषी गणना के अनुसार भोपाल में किनके सितारे दिखाएंगे कमाल। दिग्विजय सिंह की कुंडली क्या कहती है जानिए। दिग्विजय सिंह का जन्म 28 फरवरी 1947 को सुबह 8:05 पर इंदौर में हुआ था। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के राघोगढ़ राजघराने से संबंध रखते हैं। मीन लग्न की इनकी कुंडली में राजसत्ता का कारक ग्रह सूर्य मंगल के साथ 12वें घर में शुभ कर्तरी योग में बैठा हुआ है। सूर्य से चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में बैठे बलवान चंद्रमा पर वृश्चिक राशि से गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जो गज केसरी योग का निर्माण कर रही है। गुरु की महादशा में 1980 से 1984 के बीच वो तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की कैबिनेट में मंत्री रहे। इसी गुरु की महादशा में मंगल की अंतरदशा में 1993 में पहली बार वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बाद में शनि की महादशा में नीच के बुध की अंतरदशा में वर्ष 2000 में उनके मुख्यमंत्री रहते मध्य प्रदेश का विभाजन कर छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के बाद से उनकी स्थिति कमजोर होने लगी। छत्तीसगढ़ में बिजली का अधिक उत्पादन होता था, जिसे अलग होने के बाद मध्य प्रदेश बिजली की कमी के संकट से जूझने लगा। बीजेपी ने तब प्रदेश में साध्वी उमा भारती को दिग्विजय सिंह के विरुद्ध मोर्चे पर लगा दिया, जो उन्हें मिस्टर बंटाधार कहकर उनकी सरकार की आलोचना करती थी। शनि की 7.5 में चल रहे दिग्विजय सिंह वर्ष 2003 में हुए विधानसभा चुनाव में तब कांग्रेस पार्टी की बुरी हार देखने को विवश हुए। शनि की 7.5 और शनि में शुक्र की परिवर्तनकारी दशा में 2003 में हुई करारी हार से व्यथित दिग्विजय सिंह अगले 10 साल तक राजनीति से दूर रहे। वर्ष 2013 में शनि में राहु की कठिन दशा में दिग्विजय सिंह की पत्नी आशा सिंह का कैंसर से 7 वर्षों तक लड़ने के बाद निधन हो गया। गोचर में शनि तब मीन लग्न की दिग्विजय सिंह की कुंडली के अष्टम भाव में चल रहा था। वर्ष 2015 में लग्न में बैठे सप्तमेश बुध की दशा में दिग्विजय सिंह ने अपने से उम्र में छोटी अमृता राय से शादी कर ली। इसी बुध की दशा में सितंबर 2017 में दिग्विजय सिंह ने 3300 किलोमीटर लंबी नर्मदा यात्रा अपनी पत्नी के साथ पैदल चलकर 192 दिन में पूरी की। माँ नर्मदा के आशीर्वाद और नवम भाव में गुरु बैठे केतु की अंतरदशा में दिग्विजय सिंह पिछले वर्ष मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात देकर 15 वर्ष पूर्व 2003 में मिली हार का हिसाब चुका लेने में सफल हुए। अब जब दिग्विजय सिंह भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी ने इनके सामने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को राजनीति के मैदान में खड़ा कर दिया है। 2003 में दिग्विजय सिंह की सत्ता को एक साध्वी उमा भारती ने चुनौती दी थी और दिग्विजय सिंह की सत्ता छिन गई थी। पार्टी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा था। क्या इस बार भी इन्हें एक साध्वी के हाथों पराजित होना पड़ेगा? ज्योतिषीय गणना कहती है कि 2003 और 2019 की स्थिति में काफी अंतर है। 2003 में दिग्विजय सिंह 7.5 से गुजर रहे थे, लेकिन 2019 में दिग्विजय का शुभ समय चल रहा है। इस समय इनकी बुध में शुक्र की शुभ विषोत्तरी दशा चल रही है और शनि की लाभ दिलाने भी की स्थिति में है। ऐसे में साध्वी प्रज्ञा के आक्रामक तेवर दिग्विजय सिंह की कुंडली के गज केसरी योग और बुध शुक्र की शुभ दशा के चलते उनको लोकसभा जीतने से नहीं रोक पाएंगे। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.